नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं शिव जी के एक बहुत ही प्राचीन एंड रहस्यमय मंदिर की तरफ, जिसका नाम है जागेश्वर धाम और जो पड़ता है उत्तराखंड की अल्मोड़ा सिटी से 35 किलोमीटर आगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। बस यहां से 500 मीटर की डिस्टेंस पे ही टेंपल स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम 35 किलोमीटर है एंड रास्ते काफ़ी ज़्यादा घुमाव वाले होने की वजह से जो हमारे साथ में लोग आए हैं, भाई एंड मेरे पापा, उनकी जो तबीयत है ना वो थोड़ी ख़राब होने लगी थी। सो हमने यहाँ पर छोटा सा हॉल्ट लिया है। सो काफ़ी अच्छी लोकेशन है इस होटल का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे से ना जाट गंगा रिवर बह रही है, तो ये आपको टेंपल में भी देखने को मिलेगी और इस होटल के पीछे भी मैं देख सकती हूँ जाट गंगा रिवर फ्लो कर रही है। एंड लोकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, सो आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह बहुत ही नीट एंड क्लीन बने हुए हैं, तो आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे एक हॉट ले सकते हैं एंड देन आप स्टार्ट करें अपनी मंदिर की जर्नी। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम का रास्ता काफ़ी लंबा होने की वजह से हमने यहाँ पे एक छोटा हॉल्ट लिया था और उसके बाद हमने स्टार्ट की थी अपनी मंदिर परिसर की जर्नी। सो अभी हम पहुंच चुके हैं दंडेश्वर टेंपल में। ये जोगेश्वर धाम के 125 टेंपल्स में से ही एक है जिसकी एक अलग से हिस्ट्री प्रचलित है। सो दैट इज वाई दंडेश्वर टेंपल थोड़ा सा दूर बनाया गया है। ये आप जब जागेश्वर धाम जाते हैं तो उससे 1 किलोमीटर पहले ही ये वाला टेंपल आपको देखने को मिलेगा। दंडेश्वर मंदिर समूह का निर्माण भी जागेश्वर धाम के साथ ही हुआ था, बट ये मंदिर थोड़ा कम प्रचलित है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। सो यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शिवजी ने यहाँ पे तपस्या की थी, जो जिनको जिनके नीले रूप को देख करके ऋषि मुनियों की जो वाइफ्स थी, पत्नियां थी, वो मोहित हो गई थी, जिसकी वजह से ऋषि मुनियों को काफी ज्यादा क्रोध आ गया था और उन्होंने शिव जी को श्राप दिया था। सो दंडेश्वर का नाम दंड के दंड वर्ड से ही बना है, दंडेश्वर। सो ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया था, दंड दिया था, इसी वजह से इस मंदिर में आप देखेंगे कि शिव जी की लिंग की प्रतिमा में नहीं बल्कि एक शिला के रूप में वास होता है यहाँ पे। तो जैसे केदारनाथ में शिला के रूप में व्यास है वास है शिव जी का, वैसे ही यहाँ पे शिला के रूप में ही शिव जी रखे गए हैं। तो चलिए, हमारे दंडेश्वर टेम्पल के दर्शन हो चुके हैं काफी अच्छे से एंड अभी हम चलते हैं जागेश्वर धाम। दंडेश्वर से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं जागेश्वर धाम टेम्पल में। सो दंडेश्वर से चल के हम लोग अभी आ चुके हैं जागेश्वर धाम जी के टेम्पल एंड इस मंदिर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। इस मंदिर की स्थापना 7वीं शताब्दी में कुमायूं के राजाओं द्वारा की गई थी एंड इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो शिवजी की लिंग रूप में जो पूजा स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुई थी और ये इकलौता ऐसा टेंपल है जहाँ पे 125 टेंपल्स एक साथ एक ही कॉम्प्लेक्स में है। जागेश्वर धाम को काफी रहस्यमयी भी माना गया है क्योंकि इसकी मेन उत्पत्ति कब हुई ये किसी को नहीं पता, बट जो इन पत्थरों की शिलालेखों से अनुमान लगाया गया था उसके हिसाब से इन मंदिरों की अवधि 2500 साल पुरानी मानी गई है। इसका मतलब इसका निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। तो जागेश्वर धाम में एंट्री करते हो आपको ये बटुक भैरव जी का मंदिर सबसे पहले देखने को मिलता है एंड उसके बाद है महामृत्युंजय मंदिर।
एंड काफ़ी सारे स्मॉल छोटे छोटे मंदिर और भी हैं यहाँ पर। इन मंदिरों में हनुमान जी का टेंपल, नीलकंठ टेंपल, केदारनाथ टेंपल, पुष्टि माता का टेंपल, लवकुश टेंपल एंड काफ़ी सारे और देवी देवताओं के टेंपल्स भी आते हैं। टोटल 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें 108 शिव जी के लिंग हैं, शिवलिंग हैं और अन्य देवताओं के, माता और नव दुर्गा और हनुमान जी और अन्य देवताओं हैं। टोटल 125। हनुमान जी का टेंपल किस साइड है? ये साइड है, सामने दक्षिणमुखी है। दक्षिणमुखी सबसे मेन मंदिर है। तो जागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेंपल ये है, इसको आठवां ज्योतिर्लिंग बोला गया। जी आठवां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, नागेश का नाम है, तारुका वाले देवदार की पेड़ है, ये फॉरेस्ट को कहा जाता है तारुका। अच्छा, देवदार के वृक्ष हैं यहाँ, और जगह नहीं है। नहीं, और जगह तो ऐसा ही नहीं। जो अंदर पिंडी है वो शंभू है, जो बाहर का स्ट्रक्चर बना है वो 8वीं शताब्दी में पूरा निर्माण है। पहले ये लकड़ी का था, बाहर की जो चार दीवारी है वो लकड़ी के थे, 8वीं शताब्दी में पूरा निर्माण हुआ, तो उस समय कुमाऊं के राजा ने बनवाया। तो जैसा कि आपने सुना, इस मंदिर को 8वां ज्योतिर्लिंग भी माना गया है एंड इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में कुमायूं के राजाओं द्वारा कराई गई थी। मंदिर परिसर के पीछे से बहती हुई ये जटगंगा रिवर और बड़े बड़े देवदार के पेड़ इस मंदिर की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा आपने शायद ही किसी शिव टेम्पल में देखा होगा, जो इतने घने जंगलों के बीचों बीच में बनाया गया होगा। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं जागेश्वर महाराज जी की भी, एंड चलिए आपको आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।